नमस्कार दोस्तों, आप सब जूते तो पहनते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि किस प्रकार इन जूतों का आविष्कार हुआ और कैसे इन जूतों का दौर शुरू हुआ? तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार जूतों का आविष्कार किया गया। हजारों साल पहले आदिमानव ने चमड़े अथवा लकड़ी आदि से बने सैंडल पहनना शुरू किया था। ठंडे इलाकों में रहने वाले इन सैंडलों के सोल के साथ अन्य चीज़ों का प्रयोग शुरू किया, जिनका ऊपरी हिस्सा नीचे के सोल से किसी चीज़ से जुड़ा होता था, ताकि ठंड से इनके पैर बच सके। और उस समय से अब तक इन जूतों के डिज़ाइन में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। तब से ही जूतों का लगातार विकास होता गया और आज हमारे पास अनगिनत प्रकार के जूते हैं। पहले की तरह अब इन्हें केवल ज़रूरत के लिए ही नहीं, बल्कि फैशन के लिए भी बनाया तथा डिज़ाइन किया जाता है। किसी एक इंसान को जूतों के आविष्कार का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। 1833 तक जूते बनाने का काम केवल हाथों से होता था। उस वक्त अलग अलग तरह के जूतों को तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसके बाद मशीनों से काम शुरू हुआ और 18वीं सदी के मध्य में जूते बनाने वालों की मदद के लिए कई तकनीकें विकसित की गई। वक्त के साथ मशीनों की तकनीक का विस्तार होता गया और अधिक से अधिक स्टाइल के जूतों का निर्माण मशीनों से ही होने लगा। अब बड़े स्तर पर फैक्ट्रियों में जूतों का निर्माण मशीनों से ही किया जाता है। आज ग्राहकों की इच्छा तथा फैशन के चलन के अनुरूप अलग अलग तरह के जूते बाजार में उतारे जाते हैं, जहाँ आपको अपनी पसंद का कोई ना कोई जूता तो मिल ही जाता है। तो आज की वीडियो इतना ही। कमेंट करते हुए वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।